आज की वीडियो जो है थोड़ी अलग होने वाली है। अलग कैसे होने वाली है? तो आज जो है मैं स्प्रे लेके आया था। स्प्रे जो हमारे ब्रेक कैलिपर या ड्रम ब्रेक्स पे जो लगाते हैं, स्प्रे करवाती हैं। ज़्यादातर लोग बाहर अपने जो एलॉय जहाँ से चेंज होते हैं, टायर चेंज होते हैं, या कोई भी जो टायरों की शॉप होती है वहाँ पर करवाते हैं और 900 से 1000 के बीच रुपये लगाते हैं। स्प्रे जो है खुद ही लेके आ गया था शॉप से, टायर वाली दुकान पर। तो दो स्प्रे जो मैं कलर करने वाला हूँ उस पर दो स्प्रे लगते हैं। पहले जो बेस कोट होता है वो वाइट कलर का होता है, तो मैं एक वाइट कलर का लेके आया था और एक ग्रीन कलर का लेके आया था। ग्रीन कलर इसलिए लेके आया, थोड़ा यूनिक था। ज़्यादातर मैंने देखे थे ब्लू कलर, रेड कलर, अलग अलग कलर थे, पर वो बहुत कॉमन थे, हर कोई वही कलर यूज़ करता था। तो मैं थोड़ा अलग यूज़ करते हैं, थोड़ी अलग दिखेगी गाड़ी। तो उनका काम क्या होता है कि थोड़ी जो लुक्स हैं, लुक्स को तो वो बढ़ाते ही हैं, साथ ही में जो हमारे रस्ट की जो दिक्कतें होती हैं, ज़्यादातर गाड़ी पानी में रहती है या कहीं भी, तो वो थोड़े गंदे लगते हैं बाद में, ब्राउन ब्राउन से, रस्टी रस्टी सा थोड़ा गंदा लगता है। तो उसको हम आज पेंट करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भी रुको, अभी स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सब्र करो। उससे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। बात ये है, अभी पीछे मैं जैसलमेर घूमने गया था, तो वहाँ की मैंने थोड़ी बहुत जो वीडियोज़ थी ब्लॉग्स टाइप की वो मैंने बनाई थी। तो फ़िलहाल अब थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि लॉकडाउन भी हो चुका, तो कोई और काम फ़िलहाल है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। तो अब जो उसकी एडिटिंग मैंने शुरू कर रखी है, तो आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो मेरे ब्लॉग्स ही आएंगे जैसलमेर के। तो अगर आपको इस बात का नहीं पता था, तो वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज डालता हूँ और अभी मैं उसको रीशेयर भी कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो करो। यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, वहाँ मैं रीशेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इट्स मी अलावत चैनल पे। तो यहाँ मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, कार से रिलेटेड, वो मैं सारी बनाता हूँ और वेडनेसडे और संडे को मैं उसको अपलोड करता हूँ। इट्स मी अलावत चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इस चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही नहीं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा जो चैनल है, मेरी वीडियोस हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने जो व्यूज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, बता दो यार। तो मैंने जो लेफ़्ट साइड वाला टायर था पहले वो करके दिखाऊंगा मैं, एक एक करके ही आपको मैं दिखाऊँगा एक टाइम पर। तो हमको जो पेंट है, स्प्रे जो करना है, वो हमको ये वाला पार्ट करना है इतना। तो सबसे पहले मैंने जैक लगा के गाड़ी को ऊपर उठा लिया है और अब जो इसके नट्स हैं इसको लूज़ करके जो टायर है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। पहले क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी खुलता तो है नहीं और सर्विस पे भी कोई इसको साफ़ नहीं करता, तो पहले मैं इसको साफ़ करूँगा। अंदर से अगर मैं इसका देखूँ तो बहुत गंदा हो रखा है ये, तो अब लगे आते मैं इसको भी साफ़ कर दूँगा पूरा। तो सबसे पहले अब जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये ब्रेक कैलिपर होता है सिर्फ इसी पे ही स्प्रे होता है, इस पे स्प्रे नहीं होता, क्योंकि ये डिस्क होती है ये ख़राब हो जाती है। तो हम इस पे जो है वो पूरे पे करेंगे। एक जो स्प्रे वाली बोतल होती है ये ले रखा है और एक जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिल्कुल अलग लेना क्योंकि ये हम इस पे ब्रेक पैड पर यूज़ करेंगे, तो बाद में ये पेंट पर यूज़ कभी भी मत करना इसको। पूरा साफ़ कर दिया है, तो अब जो है नीचे भी थोड़ा जो इसकी डस्ट थी वो नीचे पहले ही गिर गई थी। तो अब जो है पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये डिस्क होती है इसको पूरे को न्यूज़पेपर से कवर करेंगे, और अगर आपके पास कोई गार्बेज बैग हो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हो पूरे पार्ट को। और जो हमारा ये पार्ट होता है, ये पार्ट जहाँ पर हमारा जो डिस्क वाला पार्ट है ये आ रहा है, उसको हम जो टेप होती है उससे छुपा लेंगे ताकि उस पर भी स्प्रे ना लगे। गार्बेज बैग है ये, मैंने उस पर पूरे पे डिस्क कवर कर ली थी और साइड में जहाँ से डिस्क दिख रही थी वहाँ पे मैंने जो टेप थी वो लगा दी थी। बेस कोट हमारा जो वाइट कलर का बेस कोट होना था उसको हम पूरा करेंगे पहले, ये तो यूज़ करने से पहले भी इसको शेक कर लेना। तो इसको छोड़े मेरे को अब एक घंटा हो चुका है, तो अब जो है ग्रीन जो स्प्रे था इसको अब मैं पूरे पे लगा देता हूँ। और अगर अब मैं वैसे आपको ऐसे टच करके भी दिखाऊं तो ये बिल्कुल सूख चुका है, तो अब इस पे जो ग्रीन कलर है वो कर देते हैं। जो ग्रीन स्प्रे था वो भी मैंने अब कर दिया, तो अब इसको मैं एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँ ताकि अच्छे से सूख जाए,
गार्बेज पैक था वो तो मैंने पूरा निकाल दिया, तो अभी ग्रीन कलर जो नियॉन कलर फाइनल था ये अभी देखो तो मैंने अंदर से पूरा अच्छे से साफ कर दिया है, पहले बहुत गंदा हो रखा था। तो अब टायर को मैं लगा देता हूँ। पहला टायर था फ्रंट वाला लेफ्ट साइड का, ये तो मैंने कर दिया, तो ये ग्रीन नियॉन कलर है वैसे ये, तो कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लगा। और अब जो पीछे वाला टायर था मैं उसको पहले पूरा निकाल देता हूँ और फाइनल उस पर जब स्प्रे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पीछे का भी मैंने ये जो टायर था ये निकाल दिया पूरा, तो ये भी पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे ही गंदा हो रखा है, तो इसको भी मैं इतने साफ़ करूँगा। तो इसके पीछे छुपाने का कुछ है नहीं क्योंकि इस पर ड्रम ब्रेक है ये, तो इसको हम पूरा स्प्रे कर देंगे। ये वाले जो नट हैं इस पर मैं स्प्रे नहीं करूँ क्योंकि नट फिर कहीं फेल ना हो जाए, तो इसलिए मैं इस पर टेप लगा दूँगा, बाकी पूरे पे हम स्प्रे कर देंगे। तो पहले जो बेस कोट है उसको करते हैं और उसके बाद जो ग्रीन स्प्रे था उस पर कर देंगे। और उससे पहले भी सबसे पहले तो हम इसको साफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा है, तो पहले जैसे आगे साफ़ करा था ऐसे ही पहले इसको क्लीन करेंगे। क्लीन भी और जो ये टेपिंग थी ये मैंने कर दिया, तो अब जो बेस कोट था हमारा वाइट स्प्रे वो मैं पूरे पे कर देता हूँ। तो अब इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देता हूँ मैं, इतने में वो टायर जो है टायर को अच्छे से साफ़ कर दूँगा। तो एक घंटे बाद जो है जो ग्रीन स्प्रे है वो इस पर पूरे पे कर दिया, तो हो चुका है, तो ये पूरा अब सूख चुका है। तो अब जो है जो ग्रीन स्प्रे था इसको मैं पूरे पे लगा देता हूँ। हो चुका है, ये अभी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी गीला है, तो जो सूखने के बाद ये सही हो जाएगा। तो एक घंटे बाद मैं इसको दिखाता हूँ कैसा ये दिखता है। हो चुका है, तो ये पूरा सूख चुका है, तो अब जो टायर है उसको मैं इस पर लगा के आपको जो फाइनल है वो दिखाता हूँ। ग्रीन कलर जो नियॉन कलर कह सकते हैं इसको, तो इसको मैंने अच्छे से लग गया। तो कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा, यही कलर अच्छा है कोई और कलर मैं लगा सकता था। साइड के जो दोनों टायर थे ये तो मैंने कर दिए, तो अब जो दूसरी साइड के हैं वो मैं करके आपको जो फाइनल है दोनों टायर वो दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं वो भी सारे दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए आपको मैं उसका फाइनल लास्ट में दिखा दूंगा कैसे इसके रिजल्ट निकल गया। साइड का हो गया, पीछे वाला भी पूरा अच्छे से हो चुका है, और अब आगे का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आगे वाला हो गया तो ये भी अच्छे से हो गया, तो अब लुक काफ़ी बढ़ गई है गाड़ी की। देखिए आपने कि मैंने उस पर स्प्रे करा पूरे पे, काफ़ी अच्छी जो लुक है वो हो चुकी है। तो वैसे मैंने ये इसलिए घर पे करा था क्योंकि अब खुद करो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने गाड़ी में जितनी भी एक्सेसरीज और लगाई थी दूसरी गाड़ियों में भी, वो मैं खुद ही घर पे लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है इससे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। साथ ही जो फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करो, यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, वहाँ मैं डेली रील्स पोस्ट डालता रहता हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।